नमस्ते, हूँ आदर्श। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। स्टैंडर्ड सेकेंड सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर 1, नेमिंग वर्ड्स। ऑन द प्रीवियस वीडियो आई हैड टोल्ड यू दैट वी विल प्ले अ गेम, सो इट्स नाउ टाइम टू प्ले अ गेम। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर गेम। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आर यू रेडी टू प्ले द गेम विद मी? यस। So, our game name is Naming Words. Yes, Naming Words. जैसे कि आपको पता है, Naming Word है वो हमारी एक grammar topic है. Yes. So, first of all, let me tell you some rules of our game. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे 4 box prepare किए हैं, right? Things box, animal box, person box and प्लेस बॉक्स, राइट। इट मीन्स यू कैन से यहाँ पे मैंने 4 बॉक्स रेडी किए हैं, राइट। ओके, फाइन। नाउ लुक एट हियर। यस, वेरी गुड। देयर आर मैनी पिक्चर्स, लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली। वाओ, अमेजिंग, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट पिक्चर्स हैं। कोई पिक्चर्स एनिमल्स के हैं, कोई थिंग्स के हैं, कोई पर्सन के हैं, और किसी पिक्चर्स को मैं प्लेस भी देख सकती हूँ, राइट। द गेम इज़ दैट कि आपको यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए गए हैं उसको आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करना है और उसे राइट बॉक्स में डालना है, राइट। सो आर यू रेडी टू प्ले द गेम? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द ऑल पिक्चर्स केयरफुली एंड देन वी विल पुट वन बाई वन पिक्चर्स इन द बॉक्स। थिंग्स वाले पिक्चर्स थिंग्स के बॉक्स में, एनिमल्स वाले पिक्चर्स एनिमल के बॉक्स में, पर्सन वाले बॉक्स में पर्सन के पिक्चर्स और प्लेस वाले में प्लेस के पिक्चर्स, राइट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर गेम नेमिंग वर्ड्स। नाउ लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी इट्स अ पार्क। यस, तो पार्क है वो क्या है? इट्स अ प्लेस, राइट। तो हम इसे कहाँ पे रखेंगे? प्लेस के बॉक्स में। कहाँ? प्लेस के बॉक्स में, राइट। ओके, वेरी गुड। नाउ हियर यू कैन सी अ ब्यूटिफुल लिटिल पिकॉक। यस, पिकॉक इट मीन्स एनिमल्स, वेरी नाइस। नाउ नेक्स्ट यू कैन सी हियर डॉल, प्रिटी डॉल। Isn't she is cute? Yes. तो हम इस डॉल को कहाँ पे रखेंगे? Who will give the answer? Yes, it's a thing. So we will write यहाँ पे हम रखेंगे। Now next, it's a bed, soft bed. Yes, it is a thing. Very good. Now next, it's a police station. Yes, it's a place जहाँ पे हम जाते हैं। ओके, तो हमें इसे प्लेस के बॉक्स में डालना है। नाउ नेक्स्ट यू कैन सी द पिक्चर ऑफ फार्मर। यस, तो फार्मर का पिक्चर हम कहाँ पे रखेंगे? विच बॉक्स वी विल चूज? यस, पर्सन, वेरी नाइस। नाउ नेक्स्ट रोबोट, इट्स अ थिंग, नाइस, वेरी गुड। नाउ जल्दी से बोलो कौन आंसर देगा? डॉग, यस, एनिमल्स। नाउ नेक्स्ट पेंगुइन, एनिमल, वेरी गुड स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी हियर, इट्स अ मार्केट। मार्केट हम जाते हैं ना, वेजिटेबल्स फ्रूट्स लेने जाते हैं, मामा जाते हैं, आपने देखा होगा। तो हम कहाँ पे रखेंगे? Which box we will choose? In the place, right? Okay. Now next, यहाँ पे देखिए कौन है? Yes, boys का favorite cricketer. Okay. तो हम choose करेंगे person box. Very nice. Now next, you can see here goggles. अरे वाह, बहुत ही अच्छे goggles है यहाँ पे, हाँ? So we will put it on thing box. Yes, very nice.
Now here you can see a sweet shop. Sweet की shop है जहाँ पे गुलाब जामुन मिलते हैं. Yummy sweets. किसको पसंद है? Yes, it's a place जहाँ पे हमें जाना पड़ता है और हमें sweets लेनी पड़ती है वहाँ से, right? It means हम place के box में रखेंगे, right? Okay. Next, you can see here library. Yes, you can see all students are reading books, right? Reading is very good quality. You also read it. Okay, तो library कहाँ पे हम रखेंगे library का picture? Place box में, right? Okay. Now next, you can see here. Can you tell me which picture is this? Yes, it's a कौन है? ये टेलर है जो हमारे न्यू डिजाइनर क्लोथ सीते हैं, राइट? स्टिच करते हैं. तो हम इसे पर्सन के बॉक्स में रखेंगे, राइट? अरे वाह, माय फेवरेट एंड आई नो यू आल्सो लव इट दिस प्लेस. व्हिच प्लेस इज दिस? यस, इट्स जू. जू तो आपको पसंद होगा. तो जू को हम कहाँ पे रखेंगे? प्लेस के बॉक्स में. वेरी नाइस स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे, वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट यू कैन सी हियर. अरे वाह, यू कैन सी हियर स्कूल. यस, स्कूल है ना? तो स्कूल है वो क्या है? इट्स अ प्लेस वेयर वी गो एंड स्टडी. ओके, तो हम यहाँ पे प्लेस के बॉक्स में रखेंगे. द नेक्स्ट यू कैन सी हियर. अरे वाह, ये क्या है? रेड रेड बॉल, स्मॉल लिटिल बॉल. Now we will put ball in the thing box, right? And then here is a bus, small little blue bus. We will put bus in the things box, right? And then owl is a bird. Yes, yani ki hum animals ke box mein owl ka picture rakhenge, right? Okay, now next, here you can see this picture is about bus stop. Yes, जहाँ पे बस आ रही है और passengers wait कर रहे हैं बस का. It means you can say it's a place. Yes, very good. Now next picture. Okay, ये तो सबका favorite होता है. पता है कौन सा picture है ये? Teddy bear. Yes, soft toy है ये तो. We will put soft toy in Thanks box. Very nice students, बहुत अच्छे. Now next, orange. Yummy orange. Yes, we will put orange in a thing box. Very nice. Now next, look at here. It's a small little key. Okay, it means it's a non-living thing, so we will put in the thing box. Yes. Very nice. Now here you can see a very cute little elephant. Yes. तो हम elephant को कहाँ पे रखेंगे? Animals box में. Okay, fine. Very nice students. Now here you can see the picture of hospital. Yes, ये तो hospital है. Hospital is the place. So we will put hospital picture in the place box, right? Okay, very nice. So dear students, कैसे लगी गेम? बहुत मजा आया ना, एंजॉय किया ना आपने? Yes, the same thing you can do. आप ऐसे ही different गेम डिजाइन कर सकते हो, ऐसे पिक्चर कलेक्शन करके फिर नेम, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स की गेम्स आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ खेल सकते हो और इससे आप पॉइंट्स भी कर सकते हो कलेक्ट. यस, जितने अच्छे आइडेंटिफाई किए हैं पिक्चर्स और जितने अच्छे आइडेंटिफाई करके राइट बॉक्स में डाले हैं उनके उतने पॉइंट्स. यस, दिस इज़ द वंडरफुल गेम टू लर्न नेमिंग वर्ड्स. आई होप यू एन्जॉय दिस गेम एंड प्लीज प्ले विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. So dear students, कैसी लगी गेम? मजा आया ना? Do you enjoy this? Okay, thank you. ऐसे ही हम new games खेलते रहेंगे और हमारे ग्रामर टॉपिक हम ऐसे ही
जाएंगे, राइट? ओके, तो आपने जैसे ही पिक्चर्स को चूज करके एक एक बॉक्स में डाल देते, राइट? नेम के, जैसे कि नेमिंग वर्ड्स हमने फाइंड आउट करने थे, पर्सन के पिक्चर्स पर्सन के बॉक्स में, एनिमल्स के पिक्चर एनिमल्स के बॉक्स में, थिंग्स के पिक्चर थिंग्स के बॉक्स में, और यस प्लेस के पिक्चर्स प्लेस के बॉक्स में। वैसे ही हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चूज द नेमिंग वर्ड फ्रॉम। तो हमें क्या करना है, हमें सेंटेंसेस में से नेमिंग वर्ड चूज करना है। तो यहाँ पे पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, यहाँ पे प्रिपेयर सेंटेंसेस, दिस सेंटेंसेस यू कैन सी इन योर ग्रामर बुक ऑल्सो, राइट? ओके, तो पहले हम देखते हैं पर्सन के बारे में सेंटेंस, राइट? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस इज माई मदर इज टॉल, माई मदर इज टॉल। नाउ यू कैन सी मदर के नीचे अंडरलाइन है, मदर इज द पर्सन, ओके? द वर्ड मदर इज यूज टू द पर्सन, ओके? तो यहाँ पे आप कह सकते हो ये नेमिंग वर्ड है। नेक्स्ट वी विल लुक अबाउट प्लेस, सेंटेंसेस दैट इज अ ब्यूटिफुल गार्डन, दैट इज अ ब्यूटिफुल गार्डन। गार्डन के नीचे अंडरलाइन है, गार्डन इज द प्लेस जहां पे हम खेलने के लिए जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, वॉकिंग के लिए जाते हैं, प्लस यू कैन गो फॉर प्ले ऑल्सो, राइट? ओके, तो गार्डन है वो एक प्लेस है, मींस यू कैन चूज गार्डन, दैट इज अ नेमिंग वर्ड फॉर द प्लेस, राइट? ओके, नेक्स्ट एनिमल के बारे में, आई हैव अ पेट कैट, आई हैव अ पेट कैट। तो यहाँ पे आप देखा होगा कैट के नीचे अंडरलाइन है, इट मीन्स कैट इज द एनिमल, एनिमल जो हम नेमिंग वर्ड यूज किया है वो है कैट। एंड द लास्ट सेंटेंस इज यूज थिंग, दिस टेबल इज बिग, दिस टेबल इज बिग। कैन यू टेल मी इस सेंटेंस में थिंग कौन सी है? Yes, यहाँ पे है टेबल, टेबल है वो नॉन लिविंग थिंग है, इट मीन्स ये फर्नीचर है, राइट? तो फर्नीचर थिंग है एज द नेम ऑफ थिंग, ओके? तो देखा आपने कितना इजीली एग्जांपल से सेंटेंसेस में से भी नेमिंग वर्ड्स चूज करना अच्छे से सीख लिया है। नाउ इट्स टाइम टू डूइंग अवर एक्सरसाइज ए। एक्सरसाइज ए में क्या करना है, पुट दिस नेमिंग वर्ड्स इन द राइट कॉलम्स, राइट? जैसे कि हमने अभी जो गेम खेले थे, राइट? तो सेम थिंग आपको यहाँ पे, पहले हमने पिक्चर आइडेंटिफाई किए थे और हमने पिक्चर को चूज करके आपने एक 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 बॉक्स में डाला था। द सेम थिंग यू हैव टू डू इन दिस थिंग, यू हैव टू चूज द करेक्ट वर्ड, करेक्ट नेमिंग वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे जो आपको ग्रीन बॉक्स दिखाई देता है वहां से आपको करेक्ट नेमिंग वर्ड चूज करना है और उसको करेक्ट कॉलम में रखना है। इट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो पर्सन का एक बॉक्स है, लेट मी शो यू, इन दिस ग्रामर यू कैन सी पर्सन प्लेस एनिमल एंड थिंग, ओके? तो जैसे ही हमने गेम कंप्लीट की थी वैसे ही आपको यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं वन आपको हेल्प कर रही हूँ, स्कूल, स्कूल है वो पर्सन के बॉक्स में जाएगा, यानी कि पर्सन वाली कॉलम में जाएगा, प्लेस वाली कॉलम में जाएगा, एनिमल्स की कॉलम में जाएगा या फिर थिंग्स की कॉलम में जाएगा। जस्ट यू हैव टू डिसाइड दिस, ये आपको डिसीजन लेना है कि आप स्कूल को कौन से कॉलम में रखते हो, बिकॉज यू हैव टू चूज द राइट कॉलम, ओके? तो एक्सरसाइज ए आपको होमवर्क में कंप्लीट करनी है, ओके? प्लीज कंप्लीट एक्सरसाइज ए इन योर होमवर्क, बिकॉज वी हैव टू डू एक्स्ट्रा प्रैक्टिस इन ग्रामर। अच्छे से ग्रामर सीखने के लिए प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है। तो हमने गेम इतनी इजीली से सीख लिया है तो ये एक्सरसाइज ए तो ऐसे हो जाएगी, राइट? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज बी, ओके? सो नाउ लेट्स डू इट। एक्सरसाइज बी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रीड द हेडिंग, अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इट मीन्स यहाँ पे आपके पास 10 सेंटेंसेस है, आपको इस 10 सेंटेंसेस में से नेमिंग वर्ड्स फाइंड करने हैं एंड देन यू हैव टू अंडरलाइन इट, ओके? प्लीज यूज पेंसिल, मैं यहाँ पे रेड मार्कर से अंडरलाइन करती जा रही हूँ, आपको पेंसिल से करना है, ओके? सो फर्स्ट सेंटेंस हमें रीड करना है, लेट्स रीड इट।
deny नहीं करेंगे. Next number two, there is a large pond near my house. In this sentence, pond यानी कि तालाब and house, my house, house, pond and house is the place, right? Place है, इसलिए हम यहाँ पे pond and house के नीचे underline करेंगे. Is it clear? Okay, fine. Next number three, my father is a kind man. My father is a kind man. Here you can see father and man. Oh sir, yes, very good. Father and man है वो person है, इसलिए हम यहाँ पे underline करेंगे. Because these are naming words, right? Okay, next number four. This is his football. This is his football. Football is the thing, right? Football thing है ना? इसलिए हम football के नीचे underline करेंगे. Next number five. Anu and Veena went to the zoo. Anu है वो girl का name है and Veena भी girl का name है. It means person के लिए है. Anu and Veena and zoo is the place. तो यहाँ पे इस सेंटेंस में हमें थ्री नेमिंग वर्ड्स मिलेंगे, अनु, वीना एंड ज़ू. ओके, नाउ हमने यहाँ पे फाइव सेंटेंसेस कंप्लीट किए हैं. नंबर सिक्स टू टेन यू हैव टू कंप्लीट एज योर होमवर्क, राइट? ये आपको प्रैक्टिस के लिए है. जैसे कि नंबर सिक्स में आपको एक सिखा देती हूँ, द डॉग बार्क एट द थीफ. तो यहाँ पे डॉग है वो एनिमल है, इसलिए डॉग के नीचे अंडरलाइन आएगा. थीफ यानी कि चोर, तो थीफ है वो पर्सन है, इसलिए थीफ के नीचे अंडरलाइन आएगी, राइट? द सेम थिंग यू हैव टू डू 6, 7, 8, 9 and 10. आपको फाइव सेंटेंसेस होमवर्क में कंप्लीट करने हैं, राइट? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज सी. लुक एट द टेबल बिलो, सर्कल द हिडन नेमिंग वर्ड्स. There are 10 in all. All has been done for you. One यहाँ पे देख सकते हैं, one आपके लिए किया गया है. Garden. The same thing, you have to find the all naming words. यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सी गेम है. Please enjoy this game. आपको यहाँ से बहुत ही मजा आने वाला है, right? तो आपको अच्छे से ये puzzle solve करनी है. Okay, fine. Exercise C, please do at your homework. Okay? Next, number सॉरी एक्सरसाइज डी. एक्सरसाइज डी में राइट वन नेमिंग वर्ड बिगनिंग विद द ईच लेटर गिवन बिलो, राइट? तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्लेस लुक एट हियर. ओके, ये टेबल की मैं बात कर रही हूं. पीपल, प्लेस, एनिमल एंड थिंग. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट है शीला, तो एस के नीचे अंडरलाइन है, राइट? यहाँ पे एस से ही स्टार्ट है, तो शीला प्लेस का नेम, प्लेस का शिमला एंड एस फॉर एनिमल स्नेक एंड एस से थिंग लियस सेब शेब. ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं. पीपल, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स के कॉलम्स आपको कंप्लीट करने हैं. तो यहाँ पे आपको हिंट दिए गए हैं. लुक एट द फर्स्ट कॉलम, एस से आपको स्टार्ट करना है. नेक्स्ट है पी, टी, एम, ए, एच. यस, ये यहाँ पे जो आपको लेटर्स दिए गए हैं उससे बिगिनिंग होने वाले आपको वर्ड्स अच्छे से राइट करने हैं. पीपल की कॉलम में जैसे कि पी से ही स्टार्ट करना है. पी से प्लेस, पी से एनिमल, पी फॉर थिंग. द सेम थिंग, टी टी पीपल, टी फॉर प्लेस, टी फॉर एनिमल एंड टी फॉर थिंग. ओके, ये दोनों एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है. इससे हमारे ब्रेन की बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होने वाली है, इसलिए ये दोनों एक्सरसाइज आपको होमवर्क में कंप्लीट करनी है. बिकॉज यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से नेमिंग वर्ड्स फाइंड आउट करना आपने सीख लिया है, तो अब ये करना तो बहुत ही इजी. डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैड कंप्लीटेड अवर चैप्टर नंबर 1, नेमिंग वर्ड्स.
आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड प्लीज कंप्लीट ऑल दी होमवर्क इन योर ग्रामर बुक. ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस.